ये इसे लिए हमने अपने फेवरेट अंकल ओटीएस वाले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग सब? होप करता हूँ अच्छे हो गए, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो गाइस, बारिश आ गई है, मुझे जाना था एक बार एक्टिवा पे, कहीं पे एक्टिवा लेके, और अब आ गई है फुल ऑन बारिश। इससे पहले आपने देख ही लिया, एक प्रोग्राम पे जाना था, सोशल प्रोग्राम पे। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष में प्रोग्राम था एक, वहाँ जाना था। लेकिन बारिश जबाजब आ रही है, मतलब जबाजब तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी आ रही है। एक्टिवा पे जाना मुश्किल काम हो जाएगा। सो गाइस, चलो देखते हैं कैसे बनता है, क्या प्रोग्राम बनता है, देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं। कैसे जाना पड़ रहा है आज बारिश की वजह से, और एक्टिवा के मजे ले जा रहे हैं। तो भाई, तो हम निकल लिए वापसी की ओर, और जाके वापस गाड़ी में बैठा हूँ बड़ी एक्टिवा खड़ी करके। सो गाइस, गाड़ी में आ गए, एक बार थोड़ा सा फेस क्लीन कर लेते हैं। और पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। भाई गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन का ध्यान रखो और पानी पीते रहो। एक्चुअली क्या था कि मुझे कहीं गलियों में जाना था, तो मैंने कहा कि गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और एक्टिवा ले चलते हैं। तो इसलिए फिर मैं एक्टिवा लेके चला गया था और गाड़ी को यहीं खड़ी कर गया था। और आप लोग फिर नीचे कमेंट करोगे या डीएम करोगे कि हेलमेट नहीं पहना। भाई गलियों में जाना था, यहीं थोड़ा सा निकल के जाना था, और बारिश वैसे आ रखी थी, अम्ब्रेला संभालना भी जरूरी था, आपने देख ही लिया। तो इस चक्कर में हेलमेट नहीं डाला, माफी चाहूंगा अगर आपको ऐसा लगा, किसी को अगर कुछ दिक्कत लगी तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी सिर्फ गलियों में जाना था यार, ऐसा कहीं हाईवे पे या कहीं मेन रोड पे भी नहीं जाना था मुझे, बिल्कुल गलियों में ही जाना था। तो अब गए चलते हैं एक बारी और, देखते हैं क्या काम करते हैं। इसके बाद ऑफिस भी जाना है एक बारी, और आगे एक दो काम भी है, तो देखते हैं गए, चलो चलते हैं। एक्चुअली मैं यहीं, मेरा एक फ्रेंड है सामने, उसका ऑफिस है, उससे बस अपना एक्टिवा लेके मैं निकल लिया था, अपना गाड़ी यहीं खड़ी कर दी थी। मैं अपना एक्टिवा वाला काम कराते हैं फटाफट से, तो गाइस चलो चलते हैं अब ऑफिस की ओर, और देखते हैं और क्या काम है आज के, करते हैं सारे काम। अभी गाइस आपने देखा कि कितनी बारिश आ रही थी जब मैं उधर जा रहा था, और आप देखो कितनी कड़ाकेदार धूप निकली हुई है। मतलब ऐसे कड़ाकेदार धूप है, मौसम भी कमाल हो रखा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मौसम का नहीं पता कुछ, क्या कर ले क्या ना कर ले। और सामने देखना ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ हो, लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ हो, और ये देखना अब तो बिल्कुल ही शेप ऐसी है। गजब की सीनिक ब्यूटी रहती है आजकल इधर बादलों में भी और स्काई में, मतलब देख रहे हो गाइस, ये देखना गजब। भाई एक तो ना यार आगे उड़ाने में उस्ताद है तू यार, अपने चक्कर में ना दूसरा ही अब जाए तुम्हारे चक्कर में सारे, एक तो ना मतलब देखना। कोई नहीं चाहता आदमी गाड़ी चलाए ढंग से, तो अपनी जगह में आने के लिए भी घूम घाम करना पड़ता है चीजों से, कमाल है लोगों की भी ना। गाइस ये हो गया है फ्रूट टाइम, फ्रूट आ गया है मस्त वाला, ये नाशपाती और ये एप्पल, मस्त मस्त खा के मस्त मस्त सेहत बनाते हैं। थोड़ा सा सफाई अभियान छेड़ दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें अलमीरा में पड़ी थी, ये देखो जैसे ये बादाम, ये भुजिया, आज ये निकाल दी और इसको करेंगे अभी क्लीनिंग। ये घर का बना भोजन, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करेंगे और उसके बाद करेंगे कुछ काम धाम। ये दही है, दही बाहर के खाएंगे। ओ गाइस एक बार जा रहे हैं गेड़ी मारने बाहर, और आपको बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ऐसे देखना सामने आसमान का हाल, पता नहीं ऊपर ऐसी कौन सी शक्ति है, ब्रह्मास्त्र तो नहीं हो रहा, मूवी चल रही है आजकल और ब्रह्मास्त्र यहाँ दिखा रहे हैं। ये देखना गाइस, देखना कैसे गजब 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 गजब।
गाइस ये ले लिया है एक चॉकलेट रफल, और कहाँ से लिया है ये यार, एक हमारी खास वाली बेकरी है, इससे दिखाता हूँ आपको बोर्ड, ये इससे लिया है हमने। मौसम हो रखा है एक नंबर, लेकिन हम घूम रहे हैं 8 नंबर में मैडम की गाड़ी में, और मन कर गया है ऐसे मौसम में कॉफी पीने का, तो चलो गाइस कॉफी पीते हैं मस्त सी, किससे, अंकल से, अपने फेवरेट अंकल ओटीएस वाले अंकल को बोल दिया, अंकल पिलाते मस्त बीट वाली कॉफी, बीट करके जैसे पिलाते ना वो पिलाते मस्त वाली। गाइस ऑफिस, और मौसम एक नंबर का हो रखा है। सो गाइस मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, अपना काम धाम कर लिया सारा, अब निकलते हैं ऑफिस से और आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, शायद हो सकता आज डिनर का प्लान बने, आपको बताते हैं क्या बनता है प्लान, एक बार मैडम से पूछ लेता हूँ क्या सीन है, क्योंकि मैडम पहले ही निकल गई थी आज ऑफिस से, उनको कुछ काम थे मार्केट के थोड़े बहुत वो करने थे, तो मुझे भी घर पे एक काम है करके फटाफट से निपटा के और फिर चलेंगे आगे। सो गाइस एक बार आए हैं हॉस्पिटल, सुरेंद्र भाई का पता करते हैं एक बारी, और उसके बाद चलेंगे फिर घर, आज पहले पता करके चलते हैं। सो गाइस पता करके मैं निकल लिया, प्लेटलेट्स तो आज भी 60,000 गिरे हैं, लेकिन क्या है कि शायद कल छुट्टी दे देंगे, क्योंकि फीवर आज पूरा दिन नहीं हुआ है, बाकी देखते हैं कल छुट्टी दे दे तो बढ़िया है, थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो जाता है, बाकी अब आपको मैं गाड़ी में चल के मिलता हूँ, वहाँ करते हैं बात पूरी। सो गाइज मैं निकल रहा हूँ अभी ऑस्कर से, और जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि प्लेटलेट्स तो गिरे हैं, लेकिन क्या है कि पूरा दिन ना कोई फीवर नहीं चढ़ा, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अच्छा साइन है कि पूरा दिन अगर कोई नहीं चढ़ा फीवर, कल शायद हो सकता है छुट्टी करे दिन में, सुबह कर दे छुट्टी, बाकी देखते हैं, इनको कहा है मैं कहा, बाकी एक्चुअली क्या है कि वो लोग ना रात को टेस्ट करते हैं, रात को सैंपल लेके जाते हैं जो प्लेटलेट्स का करते हैं ना, तो रात को सैंपल लेके जाते हैं, तो वो जा रहे थे, अब वो जैसे मैं निकला हूँ तो रात को आएंगे चेक करेंगे, तो सुबह बताएंगे, उसके बाद ही फिर वो होता ना कि भाई वो लोग छुट्टी का देखते हैं जैसे भी उनको लगेगा, आज के लिए भी उन्होंने कहा था तो फीवर नहीं हुआ, लेकिन आज इन्होंने मना कर दिया डॉक्टर ने कि हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे आज के लिए छुट्टी के लिए, कल प्रेफरेबली कि उनको हो सकता है छुट्टी कर दे, बाकी देखते हैं कि कैसे होता है क्या होता है क्या बनता है प्रोग्राम, सुबह पता चलेगा, तो देखते हैं, और अगर सुबह छुट्टी हो रही होगी तो फिर देखते हैं आएंगे दोबारा छुट्टी होगी तो। चलो गाइस अब चल रहे हैं एक बारी घर की ओर, घर एक बारी चल के देखते हैं कि क्या प्लान बनता है डिनर का, आपको बताते हैं। सो गाइज मैडम से बात हुई है, बस मैं पहुंच रहा हूं घर पे और मैडम रेडी हो रही है, एक डिनर पे जाना है हमें, एक डिनर का इनविटेशन आया है, आपको दिखाते हैं कि किस चीज़ का इनविटेशन है, फटाफट से अब जाके ना, अब टाइम बहुत कम है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में, और फटाफट से जाके रेडी होते हैं और चेंज करते हैं फटाफट से चेंज करते हैं और क्या कहते हैं अपना जाके देखते हैं एक बारी और आपको दिखाते हैं, सॉरी फटाफट से चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। दिवाली में दिवाली में जानी दिया ना, सोयाबीन सरदार जी बहुत तरीके मामा को पहले कोई बात नहीं, एक ही बात है।
हम पूरा खिलाएंगे। आपकी बारी है ना। यही है छोटे बच्चे थोड़ा और लगा ले मुझे क्रीम ही नहीं खाती मेरे बच्चे कितनी इमोशनल लाइफ आई है थोड़ा सा लगवा दी ठीक है देवी तेरे पति का देवी तेरे भाई का ऐसे ठीक है ना वो कह रहे थे थोड़ा अच्छे से रख कर दो टीका भी लगाई दे ये रेड कलर टीका लगा दे मैं ऐसे हाथ रख लेता हूँ आया पहली चीज जर्मा काली इसका एनएस वालों ने हमें जबरदस्ती निकाल दिया कि जाओ लाइट बंद कर दी ये देखो आप वेदर देखो कैसा है तो गाइस इससे पहले आपने देखा हम गए थे बर्थडे पार्टी पे हम करने गए थे बर्थडे पार्टी अटेंड और कराए मस्ती पार्टी अटेंड हमने आपको इससे पहले व्लॉग में इंट्रोड्यूस करा दिया था इनसे सोहेल का बर्थडे था तो हम उसके बर्थडे के लिए गए थे और अब कहाँ जा रहे हैं जी ये देखो ऐसे मैडम ऐसे तैयार हो गए क्योंकि हमारी लुक ही रह गई है मैडम की तो आगे होगी मेरी रह गई है देख लो यार ऐसे ऐसे ये थे लोग ठीक है अब हम जा रहे हैं घर की ओर मौसम हो रखा है एक नंबर का जिसको मौसम कहते हैं ना हम थोड़ा हाइट्स पे बैठे थे वहां तो अल्टीमेट ही आ रहा था इससे पहले आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी इन्होंने लाइट्स लाइट्स बंद कर दी थी तो आपने छोटी सी क्लिप ही देखी होगी कायनात की फिर किसी दिन दिखा देंगे यार कायनात तो अपना रोहतक का ही है दिखा देंगे फिर किस दिन यार कायनात का भी करा देंगे टूर पूरा चलो गाइस अब चलते हैं घर की ओर सो गाइस वी आर अबाउट टू रीच होम और व्लॉग को करते यहीं पर एंड और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर दो कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल गाइस फटाफट से और नीचे नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट करके ये कुछ खुल रहा है नया यमी यम समथिंग डिफरेंट उन्होंने लिखा हुआ है हम नहीं कह रहे समथिंग डिफरेंट तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर दो यार और नोटिफिकेशन में जाके सिलेक्ट की जगह ऑल सिलेक्ट करके ऑल सिलेक्ट कर दो ताकि जब भी कोई वीडियो डलेगी आपको नोटिफिकेशन करते जाएगा ओके गाइस गुड नाइट बाय बाय टेक केयर